लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर राजू बसौदी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर राजकुमार उर्फ राजू बसौदी को 5 साल पहले हुए करोर के आनंदपाल हत्याकांड में अब कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इस केस में रोहतक पुलिस ने आरोपी को 3 जून को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। उसे पुलिस 2020 में थाईलैंड से गिरफ्तार करके भारत लाई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक काफी लंबे समय से करोर गांव में दो पक्षों के बीच रंजिश चल रही है। रंजिश के चलते साल 2020 में गैंगस्टर अनिल चेपी के पिता राम निवास उर्फ रामी की हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप गांव के श्री भगवान परिवार पर लगा। कुछ समय के बाद रामे के भाई रणबीर और रमेश की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद रामे का परिवार रोहतक छोड़कर दिल्ली आ गया। साल 2009 में रामे के बेटे अनिल छेपे ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे गैंग के बंटू और उसके ड्राइवर की हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, साल 2012 में पुलिस कस्टडी में श्री भगवान और उसके भाई दिलबाग की भी हत्या करवा दी गई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक गैंगस्टर अनिल छेपे ने पूछताछ में बताया था कि उसके पिता की हत्या का आरोपी आनंदपाल करोर गांव में रह रहा था। साल 2018 में उसने जेल में ही बंद अपने गैंगस्टर साथी संदीप उर्फ काला जछेड़ी के साथ मिलकर आनंद की हत्या की योजना बनाई। इसके लिए दोनों ने राजकुमार उर्फ आरके राजू बसौदी से व्हाट्सएप कॉल करके बात की। इसके बाद टीम तैयार की गई। योजना के मुताबिक गैंगस्टर आनंदपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोनीपत जिले के गांव बसौदी का रहने वाला राजू बसौदी कुख्यात गैंगस्टर है। जांच में ये भी खुलासा हुआ था कि उसी ने लॉरेंस बिश्नोई से अनिल छेपी की दोस्ती करवाई थी। उसके खिलाफ कई केस दर्ज है, जिसके बाद वो थाईलैंड भाग चुका था। वहां से पुलिस 2020 में गिरफ्तार करके भारत लेकर आई थी और तभी से वो जेल में बंद है। पुलिस करोर के आनंदपाल हत्याकांड में 18 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें गैंगस्टर संपत नेहरा, अनिल छेपी, सोमवीर, अक्षय पलड़ा, पवन उर्फ तोतला, संदीप उर्फ काला जछेड़ी, प्रदीप उर्फ पोपी, विकास उर्फ भांडू, विकास उर्फ बग्गा, राजकुमार उर्फ आरके, दीपक मोहित और मोहित पहलवान शामिल हैं। इस मामले में गैंगस्टर राजू बसौदी के वकील ने कहा है कि आनंदपाल हत्याकांड में गिरफ्तार राजू बसौदी को अब जमानत मिल चुकी है। इसके लिए ASJ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उसे रोहतक पुलिस साल 2023 में प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी।